नमस्कार भाई बहनों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। शुभ संध्या, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक ठाक हैं? चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कि सभी लोग तो नए नहीं होंगे, बहुत सारे लोग पुराने भी हो चुके हैं और अमूमन साल 1.5 साल से काफ़ी सारे विद्यार्थी इस चैनल पर लगातार जुड़े हैं और काफ़ी जुड़ते चले जा रहे हैं। इस बात के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना स्नेह इस चैनल को दिया है इतने कम वर्षों में, मतलब इतने कम समय में। अभी 1.5 साल का ही वक्त बीत रहा है इस चैनल को, और आप सभी लोगों ने इस चैनल को काफ़ी स्नेह दिया। और आज की तारीख में ये चैनल काफी भाई बहनों के समस्याओं के समाधान का एकमात्र जरिया भी बन चुका है ना? तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोगों को पूरी अपडेट देंगे, पूरी अपडेट बताएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती से। एडेड जूनियर में आज तीन काम हुए हैं, तीन काम। पहला, नंबर वन, एडेड जूनियर का जो मेरिट बनेगा वो जिला वाइज बनेगी, ठीक है ना? डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बनेगी। और अमूमन किसी किसी जिले में, जो मतलब बड़े जिले हैं, ठीक है, वहाँ पे सीटों की संख्या आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल सकती है। कहीं 75 मिल सकती है, कहीं 25 मिल सकती है, कहीं पे आपको जो मतलब तीन ही मिल सकती हैं। जैसे बड़े जिले हैं, आपका प्रयागराज हो गया तो यहाँ ज़्यादा सीटें आपको नहीं मिलेंगी। आपका जो मतलब गाजियाबाद हो गया तो वहां पे नील लपटा सन्नाटा हो सकता है, अन रिजर्व कैटेगरी की एक आध दो सीटें हो सकती हैं, बाकी सब शून्य बटा सन्नाटा ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई पद उतने हैं ही नहीं, ठीक है। और चूंकि आप जानते हैं 1,500 पदों का विज्ञापन था, तो 1,500 पदों में आपको पूरा 75 जिलों निपटाने हैं ना, तो हो सकता है कि पदों की संख्या आप लोगों को किसी किसी जिले में शून्य बटा सन्नाटा ही मिले। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी पद नहीं होंगे। ये 12,460 वाला मामला नहीं है, ये एडेड जूनियर है, ठीक है ना? तो 12,460 का जो मामला था, वो विद्यार्थी भी अगर सही से साथ दिए होते हमारा तो उनका भी मामला सॉल्व करा दिए होते, लेकिन वो विद्यार्थी भी गायब हो गए बिल्कुल से भी। और कहते नहीं, मतलब अगर आप सभी लोग जो है इसी तरीके से प्रयत्न करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका कोई कार्य नहीं हो पाएगा। फिर आप जाएंगे ऐसे ही, हम जो है वहां पे हो हल्ला करके चले आएंगे, कोई मतलब उसका निकलेगा नहीं, ठीक है ना? क्योंकि शासन इस समय पूरी तरीके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। किसी भी प्रकार का दबाव, खासतौर पे यह है कि मतलब अगर कोई विपक्षी पार्टी का जा रहा है और वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। शासन अपने तरीके से ही कार्य कर रहा है, इसीलिए सारी चीजों को प्यार से चुमकार के, जिसको कहते हैं काम कराना मस्का लगा के, तो उसी तरीके से जो है कार्य करवाए जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उनसे गुर्राएंगे तो वो आपसे ज्यादा तेज गुर्राएंगे, ठीक। तो एडेड जूनियर में पहला कार्य क्या हुआ कि जिला स्तर मेरिट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, ठीक ना? पहले मंडल वाइज बनाने की बात कही जा रही थी, लेकिन मंडल वाइज में जो है वो पूरा जो है गुड़ गोबर हो जाता, इसीलिए जिला वाइज बनेगी, ठीक। पहला। दूसरा ये कि आप लोगों की जो चयन प्रक्रिया होगी वो जिले स्तर पे होगी और ऑनलाइन माध्यमों से की जाएगी, ठीक। एक नोडल सेंटर बनाया जाएंगे, उस नोडल सेंटर पे आप लोगों की काउंसलिंग होगी। ऐसा नहीं पता लगे कि अगर किसी विद्यार्थी का प्रयागराज या फतेहपुर या प्रतापगढ़ या कौशाम्बी जिले में हुआ है तो क्या करेगा, वो वहां के डाट पे भाग के जाएगा? नहीं, एक नोडल सेंटर बनाया जाएगा मध्य में, जो मिडिल में स्थान बचेगा। जैसे मान लीजिएगा प्रयागराज मध्य में पड़ता है तो नोडल सेंटर प्रयागराज को ही बनाया जाएगा, उसके ही डाट को बनाया जाएगा। और वहीं पे प्रयागराज मंडल के जितने भी जिले हैं, चार पांच जो भी जिले हैं, सभी जिलों की काउंसलिंग एक जगह पे ही हो जाएगी, ठीक है। इसमें सहूलियत होगी कि विद्यार्थियों को अलग अलग जिलों में भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विद्यार्थी एक जगह अपने डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाएंगे और उनकी काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया को जो है समाप्त कर दिया जाएगा। तीसरा ये कि आखिर इतने सारे विद्यार्थी, 43,000 से अधिक विद्यार्थी हैं,
ठीक है ना, इतने सारे विद्यार्थियों में इतनी कम सीटें, और उसका भी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वेरिफिकेशन के बाद जो सीटें थोड़ी बहुत आपके एडेड जूनियर की बच रही हैं, मतलब 8500 नया अध्याचर आया हुआ है, तो इस पे पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए आज मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम से एक ज्ञापन ईमेल किया गया। और उधर जो सीएम ऑफिस से जवाब आया है उसमें यही था कि मतलब एडेड जूनियर की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, चूंकि ये प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है और इसका रिवाइज रिजल्ट जो है मतलब जारी किया जा चुका है, इसलिए अब इसमें पदों की संख्या की बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। ठीक है, क्योंकि विज्ञापन अब एकदम अपने अंतिम स्टेज में आ चुका है, इसलिए विज्ञापन में किसी भी प्रकार के पदों की संख्या को बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक, अगर पदों की संख्या बढ़ाया जाएगा तो इसमें विद्यार्थी थोड़ा सा बगावत भी कर सकते हैं कि हमें भी अवसर दिया जाए, इसलिए पद नहीं बढ़ाए जाएंगे, ये एकदम कन्फर्म हो गया है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कब से स्टार्ट की जाएगी, तो ये जानकारी मिली है कि 15 तारीख के बाद इस पर जो है मतलब कभी भी किसी भी वक्त किसी भी दिन आपकी मेरिट आदि जारी कर दी जाएगी। आज इस दौर में बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव महोदय से सविनम्र निवेदन किया गया कि इस भर्ती प्रक्रिया को 31 दिसंबर सन 2022 तक कंप्लीट करा करके समाप्त कर दिया जाए, ये उनसे रिक्वेस्ट की गई और उन्होंने इस बात के लिए आश्वासन दिया है कि 31 दिसंबर सन 2022 तक ये भर्ती प्रक्रिया जो है कंप्लीट कर दी जाएगी। ठीक है ना, मतलब काउंसलिंग आदि के लिए मेरिट लिस्ट वगैरह सब चीजें जारी हो जाएंगी। अब काउंसलिंग क्या, काउंसलिंग तो यार एक दिन कराना है उसके बाद समाप्त हो जाना है, जिनका जिनका चयन होगा पूरी जो सीट का रिवाइज करने के बाद कितनी सीटें रिक्त हैं, आवश्यकता पड़ेगी दूसरी काउंसलिंग होगी, नहीं तो कोई काउंसलिंग नहीं होगी। ठीक, ये तो हो गया आपके एडेड जूनियर का पूरा पूरा लेखा जोखा। दूसरा मुख्य अपडेट है आप सभी लोगों के लिए जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी के केस को, टेंशन ना लीजिए, 24 तारीख को भी एक सबसे महत्वपूर्ण मैटर है जिससे कुछ दिशा निर्देश प्राप्त होने के बाद, जाहिर सी बात है आपके यूपी टेट वगैरह का मैटर सॉल्व होगा, और ये केस ऐसा है जिसे जानबूझ करके गवर्नमेंट जो है लटका रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकारें हो। ठीक है ना, और आप जानते ही हैं कि भाई इसे भुनाया जा सकेगा क्योंकि 2023 में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, लगभग 9 राज्यों के हैं। ठीक है, और उसके बाद ये प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद 24 में आप लोगों को लोकसभा का आम चुनाव मैंगो इलेक्शन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है, तो इस कार्य में ऐसा नहीं है कि अब टेट नहीं हो पाएगा, यूपी टेट का विज्ञापन का रास्ता साफ हो गया है, क्लियर हो गया है, अब यूपी टेट का विज्ञापन का कब जारी किया जाएगा इसके संबंध में बहुत जल्दी ही जानकारी प्राप्त कर ली जाएगी और आप सभी लोगों को इसके विषय में पूरी अपडेट दे दी जाएगी। ठीक, यूपी टेट की तैयारियां करना शुरू कर दीजिए क्योंकि आप लोगों को जूनियर स्तर पर साथ ही साथ प्राथमिक स्तर पर और एडेड जूनियर ये तीन स्तरों पर सुपर टेट एक साथ देखने के लिए मिलेगा। अब की बार भाषा शिक्षकों की भी टीईटी आप लोगों को देखने के लिए पुनः मिल सकती है जो कि अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। देखिए खंड शिक्षा अधिकारी में नई डिग्रियों को सम्मिलित करने के संबंध में आज लोक सेवा आयोग में एक मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता गणमान्य अध्यक्ष महोदय ने किया। ठीक है, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग ये थी कि इसमें खंड शिक्षा अधिकारी के तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सिलेबस आदि के थोड़े से बदलाव और जिस तरीके से मौखिक जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं ओएमआर बेस एग्जाम होते हैं, इन एग्जाम का मतलब यही होता है कि रिजल्ट में आपकी सियोरिटी बनती है पहला, दूसरा यह कि रिजल्ट में आप लोगों को तेजी देखने के लिए मिलती है। ठीक है ना, और ओएमआर बेस परिणाम होने के चलते बहुत तेजी से उन प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है, इसलिए खंड शिक्षा अधिकारी क्या लगभग लगभग अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने सभी मुख्य परीक्षाओं में ओएमआर बेस्ड काम कराने के लिए ही
आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। यदि यूपीपीएससी का इंतजार किया जा रहा है, संघ लोक सेवा आयोग जिसे आप बोलते हैं, अगर वहां पर कोई परिवर्तन होता है तो जाहिर सी बात है संघ लोक सेवा आयोग का परिवर्तन लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मतलब मेरा कहना है पीसीएस आज की वैकेंसी के लिए, लेकिन फिलहाल वो तो बहुत दूर की कौड़ी है। अभी जो नजदीकी कौड़ी है हम उसकी बात करते हैं। नजदीकी कौड़ी में हमारा खंड शिक्षा अधिकारी है, हमारा डैट प्रवक्ता है, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता है, ठीक है। ये सारी वैकेंसीज हमारी सम्मिलित हैं जिनके विज्ञापन आदि के संबंध में आज कुछ निर्णय लिए गए हैं जिसके बारे में आप लोगों को अपडेट देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज ये है कि डिग्री का आपके जीआईसी लेक्चरर में हर विषय के लिए बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है, ये एकदम कन्फर्म हो चुका है। हर विषय के लिए बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके संबंध में एक प्रस्ताव आज बनाया गया और शासन को प्रेषित कर दिया गया कि हम बीएड की डिग्री को अनिवार्य बना रहे हैं जीआईसी लेक्चरर में, पहला। दूसरा ये कि जो भी विद्यार्थी जीआईसी लेक्चरर या डायट प्रवक्ता के लिए अप्लाई करेगा वो विद्यार्थी परास्नातक होना चाहिए, प्लस 50% अंकों के साथ बीएड की डिग्री उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना। 50% अंकों के साथ उसकी बीएड की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक। तीसरा, संबंधित व्यक्ति या संबंधित स्टूडेंट जो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आदि में अप्लाई करेगा, उस व्यक्ति को अगर वो सामान्य कैटेगरी से आता है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से आता है, तो उस विद्यार्थी को स्नातक अथवा परस्नातक में 50% अंकों के साथ बीएड की डिग्री कंप्लीट करना अनिवार्य होगा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं की गई हैं और एक विस्तृत जो है लेखा जोखा प्रस्ताव बना करके शासन को पुनः प्रेषित किया गया है कि इन मुद्दों पर संशोधन किया जाए ताकि विद्यार्थियों को जो एक छत्ता सा लग जाता है ना, वो छत्ता थोड़ा सा छांटा जा सके। तो ये सारे परिवर्तन आप लोगों को एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी डायट प्रवक्ता आदि में देखने के लिए मिल सकता है। यूपी SSSC के माध्यम से भी काफी सारी चीजें को नोटिस वगैरह जारी किए जा रहे हैं और खुशी की बात तो यह है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट को लेकर के शासन लगातार संजीदा है और मेरे ख्याल से कल या परसों की डेट में आप लोगों को एक शासनादेश इसकी वैधता आदि को देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि वैधता 5 वर्षों की नहीं 3 वर्ष तक की जा सकती है। ये सूचना मिल रही है कि 3 वर्ष पेट की वैलिडिटी की जा सकती है, ठीक है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSSC और KVS आदि के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 97 21 41 13 85 पर व्हाट्सएप करके अपना नोट्स बुक कर सकते हैं और निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ें। और बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं ना कि सर आप कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं। देखिए अभी थोड़ी सी हमारी व्यस्तता चल रही है, आप जानते हैं शादी विवाह का माहौल है, इतने सारे कार्ड मिल गए, इतने कार्ड मिले, इतने इतने कार्ड हमको मिले हैं शादियों के। अब आप स्वयं समझ लीजिए कि अगर किसी के घर ना जाए, किसी के दरवाजे ना जाए, कल को हम उनको इनवाइट करेंगे तो वो भी हमारे यहाँ नहीं आएंगे, है ना। इस वजह से थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हाँ इतनी चीजें जरूर है कि हम अगर आप लोगों का मिस कॉल पड़ा रहेगा, मैं फ्री होऊंगा तो मैं स्वयं कॉल लगा लूंगा आप लोगों को। जिन जिन भाई बहनों को हमसे बातचीत करनी है वो भाई बहन हमारे मोबाइल पर अगर ट्राई भी करते हैं व्हाट्सएप कॉल पे, अगर उनके मिस कॉल हम देखेंगे तो उनको हम खुद ही कॉल रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। हम जब भी फ्री होंगे हम उनको तुरंत कॉल रिटर्न करके हम उनसे बात कर लेंगे। तो इन सारी चीजों के लिए मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, आज शाम को आप सभी लोग हमारे पास जो है कॉल कर सकते हैं 8 बजे से लेकर के, मतलब 7:30 बजे, 7 बजे से लेकर के 8:30 के बीच में आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, उस समय हम एकदम फ्री होंगे, ठीक है ना। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।